कहानी सुनाने भाई तुनू होली दी भी होली किवें बनी है किवें इहनू मनदे आ। तां एक हरनाशक राजा होया ओह परमात्मा नूं नहीं मनदा सी ते आपदा नां जपाउंदा सी। कोई भी कम करदे तां उहदा ही नां लैंदे सी लोक। उहदे एक मुंडा जम्मिया प्रहलाद। वह जो मुंडा 5-7 साल का होया तो कुम्हारां दा घर उन्होंने राजे दे घर दे कोल ही सीगा। उत्थे वह खेडदा खेडदा जा वड़िया। जो खेडदा खेडदा जा वड़िया तो वह कुम्हार अंदर बड़े बैठे तो राम 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 करी जान परमात्मा का नाम ली जान। वो आखदा तुसी मेरे प्यो का नाम नहीं लेंदे हरनाशक का ते रब का नाम ली जाने। वो आखदे भी साडे आ जिहड़ी आवी है ना ये 6 महीने से तौड़े बनाने तो 6 महीने च पकदी आ। तो इहदे विच बिल्ली दे बलूंगड़े 2 चिने गए तो वह बेचारे मर जाणगे तो पाप बहुत वड्डा मनदे लोग बिल्ली का। तो वह जदों आखदा भी चंगा जदों एक आवी कढ़ो उदों मैनू सद्यो। हुण कित्थे तां 6 महीने च आवी पकदी सी ते कित्थे 2.5 दिनां च पक गई। वह जिवें हुण 2.5 दिनां च पकदी उदू बाद पहलां 6 महीने च पकदी सी। तां हुण कढ़ी जांदे ते जदों आया तौड़ा उह लांभी कच्चे तौड़े आ गए। पचलड़ा तौड़ा जिहड़ी जी बिल्ली दे बलूंगड़े सी उह जमा कच्चा ते खेड़दे फिरन विच बाहर कढ़ते। तो वह मुंडे ने हरनाशक ने सोचा भी परमात्मा तो परमात्मा ही है तो परमात्मा का नाम जपन लग गया। परमात्मा का भगत बन गया। स्कूल च पढ़ता सी मास्टर भी आख्या करे भी परमात्मा का नाम लो जो बोलते हो जवाकों भी सारे। तो उन्होंने जाके मास्टर ने दसा भी ऐ करके तो तुम जो थोड़ा लड़का ना वो मतलब गलत सिखाता सारे भी परमात्मा का नाम लो मेरे प्यो का नाम लो। वो आगा भी चलो आपां इहनू करदे आं गल भी इहनू मरा दिंदे आं। तां पहाड़ सी बहुत उच्चा वो ते लै के चढ़ गए उत्तों मारिया चला के घुकदा तुरिया आया बेचारा। पर के क्यों फुल दी लगी उहदे जदों परमात्मा उहदे नहीं सीगा तां चंगा भला वो आ गया। जदों ते उहनू फिर लै गए ते थम तत्ता कर लिया लाल। जो लाल थम दत्ता कर लिया ना अगे जरा जफ्फी पा। वो जफ्फी जदों लेवे करे जवाक नूं ते परमात्मा ने कीड़ी का रूप धार के ते उत्ते तुरिया जावे कीड़ियां तुरिया जाण तो उहने इहनूं वेख के ते भज के उहने जफ्फी पा ली। जदों तां थम सी जिहड़ा वो ठर गया। जदों ठर गया तां ਉਹਨੂੰ ਆਹਦਾ ਵੀ ਹੋਲਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਤੀ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਾਤਾ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿੰਤੀਆਂ ਲਾਤੀ ਅੱਗ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।